मोदी सरकार में मंत्री और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा के खीर वाले बयान के बाद लगाए जा रहे कयासों के बीच अब उन्होंने सफाई दी है कि सामाजिक एकता की बात की थी, इसे किसी समुदाय विशेष ने न जोड़ा जाए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, ना तो आरजेडी का दूध मांगा है ना बीजेपी की चीनी, मैंने सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ये बात कही थी, किसी पार्टी का नाम नहीं लिया था। इससे पहले शनिवार को उपेंद्र कुशवाहा ने पहले कहा था कि यदुवंशी का दूध और कुशवंशी का चावल मिल जाए तो खीर बढ़िया होगी। उनके इस बयान के बाद बिहार से लेकर दिल्ली तक कयास लगाए जाने शुरू हो गए थे कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए का एक और घटक दल टूटने जा रहा है। कुशवाहा ने इससे पहले भी एनडीए के रुख के खिलाफ बयानबाजी दी है। तेजस्वी यादव ने उपेंद्र कुशवाहा के बयान का स्वागत किया था। तेजस्वी ने कहा कि निसंदेह उपेंद्र जी स्वादिष्ट और पौष्टिक खीर श्रमशील लोगों की जरूरत है। पंचविवा के स्वास्थ्यवर्धक गुण न केवल शरीर बल्कि स्वास्थ्य समता मूलक समाज के निर्माण में भी ऊर्जा देता है। प्रेम भाव से बनाई गई खीर में स्वादिष्टता, स्वाद और ऊर्जा की भरपूर मात्रा होती है। यह एक अच्छा व्यंजन है। एसपीएन नए निजरूम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।